नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का जन जागृत न्यूज चैनल पर, आपका अपना न्यूज चैनल सच के साथ। खेलने से बच्चों का होता है मानसिक विकास, खंड शिक्षा अधिकारी ने कहा। वही मौजूद शिक्षक ही बच्चों के भविष्य होते हैं, खंड विकास अधिकारी द्वारा कहा गया। खबर मांडा प्रयागराज की, संवाददाता इस्लाम अंसारी के साथ रिपोर्टर रितेश केसरी द्वारा की गई रिपोर्ट। ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न। बताते चले कि ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन दशमिया हवा मैदान पर आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ में खंड शिक्षा अधिकारी मांडा महेंद्र प्रताप सिंह जी मुख्य अतिथि रहे। वही खंड विकास अधिकारी मांडा अमित कुमार के साथ मां सरस्वती के प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलन कर माल्यार्पण किया, जिसके बाद ईश वंदना व राष्ट्रगान के साथ फीता काट कर शुभारंभ किया गया। वही कार्यक्रम का संचालन हाटा विद्यालय के प्रबंधक मनोज सिंह ने किया। इस कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बच्चों के द्वारा बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के इसी क्रम में खंड शिक्षा अधिकारी सहित कई अध्यापकों द्वारा उपस्थित पत्रकारों को बैज लगाकर डायरी व कलम देकर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात खेल प्रतियोगिता का संचालन आरंभ किया गया, जिसमें ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में निम्न विद्यालयों के बच्चों ने विजेता उपविजेता के रूप में विद्यालय का बढ़ाए मान, जिसके बाद कार्यक्रम का समापन कर विजेताओं को पुरस्कार वितरण के बाद अध्यापकों एवं छात्र छात्राओं सहित सभी अभिभावकों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि खंड विकास अधिकारी ने बच्चों की खेलकूद प्रतियोगिता के विषय में संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षक ही समाज का दर्पण होता है, वह बच्चों को प्रशस्ति मार्ग पर ले जाने के लिए कोई भी पहलू नहीं छोड़ता, जिसमें शिक्षा के बाद बच्चे का भविष्य निहित होता है। वही खंड शिक्षा अधिकारी ने प्रतियोगिता के सफल आयोजन पर संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों को शिक्षा के साथ मानसिक तनाव से दूर रहने के लिए खेल भी जरूरी है। प्रत्येक बच्चों को प्रत्येक दिन कम से कम एक घंटा खेलना भी जरूरी होता है, इसलिए शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय में ऐसी प्रतियोगिताओं के लिए ब्लॉक स्तरीय, जनपद स्तरीय, राज्य स्तरीय सहित कई प्रकार के प्रतियोगिताएं निर्धारित किए जाते रहते हैं। इस मौके पर प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष मुचकुंड मिश्र, मंत्री राजेश कुमार यादव, जूनियर शिक्षक संघ अध्यक्ष अमरेश प्रताप सिंह, मंत्री मनोज कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष प्रशांत द्विवेदी, एआरपी राजकुमार सिंह, केशव तिवारी, अरुण कुमार तिवारी, जितेंद्र दुबे, अभिनव प्रताप सिंह, नरेंद्र गौतम, कुंदन सिंह, प्रतिभा चौधरी, नीलू राय, हरिशंकर सरोज, मोहम्मद इब्रार, पंकज द्विवेदी, अवधेश शुक्ल, कड़ेकांत, गिरजेश सिंह, कमलेंद्र, विजय बहादुर, वीरेंद्र मिश्र, ब्रिजभान आदि लोग मौजूद रहे। गौरतलब हो कि प्राथमिक विद्यालय भारतगंज द्वितीय के प्रधानाचार्य निसार अहमद की कार्यक्रम में सहभागिता का प्रशंसा उपरोक्त मौजूद सभी अध्यापकों और अधिकारी गणों में चर्चा का विषय बना।